हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका सुधीर गुप्ता के इस फ्रेश एपिसोड में। अभी देखिए, इसमें हम रवि किशन और रामपाल निषाद के बारे में बात करने वाले हैं। रवि किशन आपको पता होना चाहिए बीजेपी से उम्मीदवार हैं गोरखपुर सीट से, वहीं पे रामपाल निषाद बात करें विपक्ष में गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं उम्मीदवार। अभी आपको पता है गोरखपुर और संत कबीर नगर दोनों जो लोकसभा सीटें हैं बहुत हॉट सीट, यानी कि सबकी निगाहें इन दोनों लोकसभा सीटें पे बनी हुई हैं। तो आज हम एक कुछ विश्लेषण करने वाले हैं क्योंकि क्या रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से आसानी से जीत जाने वाले हैं या फिर गठबंधन प्रत्याशी रामभूपाल निषाद फिर से गोरखपुर में विपक्ष का झंडा गाड़ने वाले हैं, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में। तो गोरखपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, लास्ट 5 बार में यहाँ पे सांसद रहे। उसके पहले महेंद्र अवैधनाथ भी यहाँ से सांसद रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2018 में उपचुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सीट छोड़ के मुख्यमंत्री की शपथ ली तो यहाँ का जो सीट था वो खाली हुआ। 2018 में हुआ उपचुनाव, यहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा और गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार बनाया प्रवीण निषाद जी को। और गठबंधन कौन, मायावती यानी कि सपा, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर गठबंधन एक ही प्रत्याशी उतारा। और यहाँ पे लास्ट 5 बार से सांसद है योगी आदित्यनाथ के, बीजेपी सरकार की जबरदस्त हार हुई और यहाँ से सांसद के रूप में प्रवीण निषाद जी को चुना गया। प्रवीण निषाद फिर से 2019 में चुनाव आया लोकसभा का, जिसके बाद क्या हुआ, निषाद पार्टी अचानक से बीजेपी में शामिल हो गई, या कहें ये कह सकते हैं बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने में शामिल कर लिया। अब ये हुआ कि निषाद पार्टी हो गई बीजेपी में शामिल। अब देखते हैं टिकट प्रवीण निषाद जी को कहाँ से मिलेगा। अगर जो प्रवीण निषाद जी को गोरखपुर से टिकट मिलता तो आसानी से प्रवीण निषाद जी वो सीट जीत सकते थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे खेल खेला, चाहे जाति कार्ड कहें या फिर कोई कर, यहाँ पे प्रवीण निषाद जी को उठा के भेज दिया गया संत कबीर नगर और गोरखपुर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया रवि किशन शुक्ल, यानी कि आपके भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों के एक्टिंग कर चुके, अभिनय कर चुके रवि किशन शुक्ल जी को। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। हम बात कर रहे हैं निषादों की और ब्राह्मणों की। रवि किशन जो होते हैं ब्राह्मण में आते हैं। विपक्ष ने भी यहाँ पे जाति कार्ड खेला और टिकट दिया रामपाल निषाद को। निषादों की बात करें तो गोरखपुर में लगभग 13% लोग मुसलमान आते हैं और ये वोट परसेंटेज में बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं पर ब्राह्मण की बात करें तो कम है। जितने निषाद अगली बार गठबंधन से निषाद यानी कि प्रवीण निषाद जी को वोट दिया था वो सारे नाराज चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रवीण निषाद अचानक से बीजेपी में शामिल होना और यहाँ पे निषादों को छोड़ के और रवि किशन शुक्ल को वोट दे टिकट दे देना, तो इस पर भी थोड़ी बहुत उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे लग रहा है गोरखपुर में जो भी निषादों से कांटेक्ट किया जाए, आप निषादों से पूछिए तो वो यही कह रहा है कि वो अपनी जाति या फिर अपने जाति का जो कैंडिडेट है उसी को वोट देने वाले। तो रामभूपाल निषाद यहाँ पे लगभग निषादों का सारा वोट पाते हुए नजर आ रहा है और गठबंधन भी हुआ है, यानी कि सपा बीएसपी, यानी कि सपा और जो बीएसपी के जितने भी वोट हैं वो रामभूपाल निषाद को आने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं रामभूपाल निषाद की। रामभूपाल निषाद एक मजबूत कैंडिडेट क्यों हो सकते हैं। हम बात करें रामभूपाल निषाद की, गोरखपुर ग्रामीण सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं, साथ में ये बसपा सरकार में मत्स्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसका भी इनका भी छवि गोरखपुर में अच्छा खासा बना हुआ है और ये यहाँ के जो गोरखपुर के लोकल लोग हैं जो निषाद समुदाय से आते हैं और भी बहुत सारे लोगों से पूछा गया, वो कह रहे हैं इसमें क्षेत्रवाद की भी लड़ाई आ रही है। मतलब रामभूपाल निषाद अपने क्षेत्र से आते हैं और रवि किशन की बात करें ये लोग कहने में आ रहा ये मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो जीत के ये क्षेत्र में कम देखेंगे क्योंकि ये जीतने के बाद अपने एक्टिंग की दुनिया में वापस चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से गोरखपुर में कुछ भी हो सकता है। जो पलड़ा दिख रहा है भारी वो गठबंधन प्रत्याशी यानी कि रामभूपाल निषाद का दिख रहा है। अब आपका जो वक्तव्य है आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से अगर जो आप गोरखपुर से हो तो गोरखपुर में किसकी हवा है, कौन जीत रहा है, आप किस प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो देखते रहिए सुधीर गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।